बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हद व्लॉग। अल्लाह ताला के फजल करम शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फूड पांडा एप्लीकेशन में आपने अप्लाई कैसे करना है और आप कैसे इस एप्लीकेशन की मदद से 30 से 35 हज़ार रुपया पर मंथ कमा सकती हैं। फूड पांडा एक ऐसी ऑनलाइन ऐप है जिसकी मदद से लोग घर बैठे किसी भी रेस्टोरेंट का, किसी भी होटल का खाना बुक करवा सकते हैं और ऑर्डर डिलीवर करने पे आप उनको पेमेंट जो है वो देकर अपना खाना रिसीव कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये ज़्यादा फेमस नहीं थी, लेकिन 6 से 7 महीने हो गए हैं कि ये ऐप बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ होने लगी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत ज़्यादा ऐप यूज़ होती थी, लेकिन पाकिस्तान में 6 से 7 महीने हो गए हैं ये ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इनके राइडर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसमें यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसमें 4 घंटे काम करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप फुल टाइम इसमें काम कर सकते हैं। मतलब अगर आपने फुल टाइम इसमें काम करना है तो आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट टाइम इसमें काम कर सकते हैं। मतलब 4 घंटे जो है वो इसका मिनिमम टाइम पीरियड है कि आपने 4 घंटे इसमें जो है वो लॉगिन होना है और हर 1 घंटे में आपने जो है वो 2 ऑर्डर लाजमी जो है वो डिलीवर करने हैं। इसमें बैच होते हैं, बैच 1, बैच 2 और बैच 3। बैच 1 जो है उसमें वो लोग आते हैं जिनकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर होती है, बैच 2 में उससे कम लोग होते हैं और बैच 3 में जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा लो होती है वो बैच 3 में उससे कम लोग आते हैं। तो उन परफॉर्मेंस की बेस पे जो है वो आपको बैच 1, बैच 2 या बैच 3 में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर आप जो है वो रोज़ाना 4 घंटे काम करते हैं तो 4 घंटे के हिसाब से आप 1 महीने में 15 से 16 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। और अगर आप फुल टाइम, मतलब अगर आप 12 घंटे काम करते हैं 1 दिन में, तो आप 30 से 35 हज़ार रुपया, 40 हज़ार रुपया भी आप जो है वो 1 महीने में कमा सकते हैं। नेक्स्ट इसका ये है कि अगर आपका कोई भी दोस्त रिश्तेदार फूड पांडा में पहले काम कर रहा है तो आप अगर रेफरल आईडी के थ्रू जाएंगे तो आपको 3 हज़ार रुपये का बोनस दिया जाएगा। लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी रेफरल आईडी के थ्रू ना भी आएँ, फिर भी आपको जो है वो 3 हज़ार रुपये का पे फर्स्ट सैलरी में जो है वो बोनस दिया जाएगा। तो अगर आपका कोई भी दोस्त रिलेटिव जो है वो फूड पांडा में पहले कर रहा है जॉब, तो आप उनकी रेफरल आईडी के थ्रू जाएँ और 3 हज़ार रुपये का आपको बोनस अजाफी मिलेगा। इसके लिए जो है वो आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट नंबर पर ये कि आपके पास अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड होना लाजमी है। सेकंड नंबर पे ये कि फूड पांडा सिर्फ आपको एक शर्ट और एक बैग जो है वो आपको देगी। आपके पास अपनी बाइक जो है वो होना लाजमी है और बाइक के साथ साथ आपको उस जो आपके पास बाइक है उसका लाइसेंस जो है वो होना लाजमी है। तीसरे नंबर पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपका किसी भी फैमिली मेंबर का आईडी कार्ड जो है वो आपको जमा करवाना होगा। और फोर्थ नंबर पे सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जैद कैश का अकाउंट होना लाजमी है। जब आप अप्लाई कर लें, अप्लाई करने के बाद आप जैद कैश अकाउंट लाजमी बना लें, क्योंकि आपने जितनी भी पेमेंट जो है वो रिसीव करनी है वो आपके जैद कैश अकाउंट में ही आपने ट्रांसफ़र करके फूड पांडा को डिलीवर करनी है। और आपकी जो सैलरी है वो भी फूड पांडा में, आपकी सैलरी जो है वो भी जैद कैश के थ्रू ही आएगी। तो इसमें आपने जो है वो शिफ्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने 4 घंटे काम करना है या आपने जो है वो ज़्यादा 12 घंटे काम करना है। लेकिन अगर आपने शिफ्ट जो आपने सेट कर लेनी है, उसके बाद आपको 4 घंटे या 12 घंटे काम जो है वो आपने लाजमी करना है, उससे कम जो है वो आप लॉग आउट जो है वो नहीं हो सकते। क्योंकि फूड पांडा जो है वो सिर्फ़ एक एप्लीकेशन है, इसमें फूड पांडा का अपना कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, कोई भी होटल नहीं है, बल्कि डिफरेंट जो रेस्टोरेंट हैं, डिफरेंट जो है वो होटल हैं, वो
फूड पांडा के साथ कनेक्ट हो गए हैं और वो फूड पांडा के साथ कनेक्ट हो के जो है वो राइडर उनको उनसे खाना लेकर और जिन्होंने ऑर्डर जो है वो दिया होता है उनके घर जो है वो पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी वेबसाइट में जाकर मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आपने इस फूड पांडा में अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको अगर अप्लाई करते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ों का जो है वो आपने ख्याल रखना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।